आपको बताते कि पिहोवा में संदीप सिंह ने कहा कि बच्चों के लिए शुरू किया गया केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष 5.0 कार्यक्रम स्वस्थ भारत की बुनियाद को मजबूती देगा। इस योजना से उन बच्चों तक भी लाभ पहुंचेगा क्योंकि अनेकों परिवार को स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। ऐसे में ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए लाभप्रद होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयास से जल्द पिहोवा के सरकारी अस्पताल की नई बिल्डिंग में भी काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके शीर्ष कार्य को पूरा करने के लिए 6 करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृति मिली है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि दवाइयों की कमी को पूरा करने के लिए अब अस्पताल लोकल स्तर पर भी खरीद कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें जिला हेडक्वार्टर से अनुमति लेनी होगी। इससे आम लोगों को दवाइयों की उपलब्धता में आसानी होगी। 12 साल से कम आयु के बच्चों को तकरीबन 12 बीमारियों की ड्रॉप्स दी जाती हैं और गर्भवती महिला को वो ड्रॉप दी जाती है। तो मैं धन्यवाद करूंगा केंद्र सरकार का जिन्होंने ऐसी स्कीम चलाई है और आज काफ़ी निरीक्षण भी किया है और बहुत जल्दी हमारा जो नया हॉस्पिटल है उसकी पेमेंट जो पेंडिंग है तकरीबन 6 करोड़ प्लस की है, तो वो इस हफ्ते में वो पेमेंट होकर उसका नया जो सामान है इंफ्रा जो है उसके बीच में लगने वाला वो सारा आ जाएगा जल्दी ही और उसको फिर उसका माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और हमारे हेल्थ मिनिस्टर द्वारा उसका द्वारा पहले वाला जो हॉस्पिटल की जो पुरानी इससे भी जो पुराना है उसके लिए माननीय हेल्थ मिनिस्टर होम मिनिस्टर जो हमारे अनिल विज जी हैं उनसे मेरी भी बात हुई है और उसको हम किसी रूप में चाहे वो टीकाकरण या किसी विशेष रूप में उसको यूज़ करने के लिए हम उस बिल्डिंग को रखेंगे जिससे कि उसकी सफाई भी हो सके और वहाँ पर अवैध कब्जा जो सुनने में आया है उसके लिए भी SDM साहब को और तहसीलदार साहब को कि वहाँ की निशानदेही करा के कोई अवैध कब्जा कर रहा है उसकी रोक करें और उसकी चारदीवारी करने के लिए विभाग को लिखकर जिससे कि चारदीवारी हो सके वहाँ पर 2 रूम बनकर वहाँ पर टीकाकरण या कोई ऐसी जो वैक्सीनेशन के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।